बस्तर दशहरा में बीते 620 वर्ष से चित्रकूट की राजकुमारी के नाम से प्रतिवर्ष एक ज्योति कलश स्थापित किया जाता है। चित्रकूट जलप्रपात के पास ही आज भी इस राजकुमारी और तत्कालीन शासक राजा हरिश्चंद्र के महल के अवशेष देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि प्राचीन काल के बस्तर में चित्रकूट में छिंदक नागवंशी राजा हरिश्चंद्र का राज हुआ करता था, जिनकी बेटी का नाम चमेली थी। चमेली अत्यधिक सुंदर और युद्ध कला में निपुण हुआ करती थी, इसलिए उस समय उसे सेनापति पद पर नियुक्त किया गया था। परंतु बाद में उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई और उस समय वारंगल से आए शासक अन्नमदेव ने उससे शादी करने की इच्छा से राजा हरिश्चंद्र के महल की घेराबंदी कर चमेली से विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा हरिश्चंद्र के इस संदेश से राजा सहित पुत्री परेशान हो गई। चमेली ने इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप बस्तर के ही बेलियापाल गांव के समीप दोनों शासकों के मध्य युद्ध हुआ, परंतु अन्नमदेव की सेना के आगे राजा हरिश्चंद्र की सेना टिक नहीं सकी और अन्नमदेव के सैनिक महल में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि राजकुमारी चमेली ने जौहर के लिए चीता सजाई और उसमें कूद पड़ी। चमेली के बलिदान से अन्नमदेव उसे प्राप्त नहीं कर सका। चमेली के इस जौहर से राजा अन्नमदेव भी व्यथित हुए। उन्होंने राजकुमारी की एक समाधि बनवाकर उसका स्मरण किया। सतीत्व की रक्षा के स्वरूप बस्तर दशहरा के शुभारंभ पर स्थापित होने वाले ज्योति कलशों में एक उनके नाम और सम्मान में कलश स्थापित किया जाता है। इस क्षेत्र के ग्रामीण आज भी आदर से राजकुमारी को चमेली बाबी कहकर उसकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।